प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी क्लर्क या सीडीएस, एफकेट, किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश अगर आपके लिए समस्या है, तो दोस्तों आज के बाद नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। इसको पढ़ने के बाद अंग्रेजी ग्रामर की जो आपकी समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक डाउट का मैं आपको आंसर दूंगा और प्रत्येक डाउट को सॉल्व कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 11 तारीख से आपकी निशुल्क जो है क्लास इंग्लिश ग्रामर की जो डिफेंस परीक्षाओं के लिए होगी वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये क्लास उसी क्रम में है। आज हम जो है पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेते हुए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो नाउन रहेगा। तो आइए जानते हैं आज की इस क्लास में नाउन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नाउन टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये फर्स्ट टॉपिक आता है और नाउन ये कोई नई चीज नहीं है। नाउन जो कि हिंदी में संज्ञा कहलाता है, उसी को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो यहां पर आज अपने बात करने वाले हैं किसकी? नाउन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नाउन क्या होती है? तो आप जो है क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो जाए दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन। दोस्तों नाउन जो होती है ये क्या होती है? नाउन जिसको हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं? संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। तो कोई भी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या कहलाता है? कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। संज्ञा या नाउन की बात करें दोस्तों तो कोई भी व्यक्ति, मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान और कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु संज्ञा है, अर्थात नाउन है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई? नाउन की डेफिनेशन क्या हुई? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और थिंग। किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम और किसी भी थिंग का नेम दोस्तों नाउन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से अपने इस बात को समझते हैं कि कैसे कोई प्लेस, पर्सन या थिंग नाउन होता है। जैसे अपने कहते हैं जॉन, जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन एक अच्छा लड़का है, जॉन इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों यहाँ पर जॉन या फिर बॉय ये किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए जॉन भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। जैसे मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली यहाँ पर जो है नेम ऑफ प्लेस है और प्लेस के नेम को हम नाउन कहेंगे। ओके, इसी तरह मैं कह दूं कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो यहां पर जो कार है वो थिंग है, तो ये नाउन है। तो यहां पर दोस्तों डेली नाउन है, यहां पर कार नाउन है और यहां पर जॉन नाउन था, क्योंकि ये पर्सन है, ये प्लेस है और ये थिंग है। क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग
नाउन कहलाता है। तो नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन, कोई भी व्यक्ति वस्तु या स्थान नाउन कहलाता है। तो दोस्तों यहां जो है हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, यहां से डेफिनेशन क्लियर होता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, यानी कि हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर स्थान नाउन है। तो दोस्तों दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन नहीं है, यानी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया का प्रत्येक स्थान और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति नाउन होता है दोस्तों। फिर हम इसके काइंड्स की बात करते हैं, इसके काइंड्स की बात करते हैं कि नाउन जो होती है होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों यहां पर आपके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन के दो टाइप हैं, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फर्क होता है? हमने ये जान लिया कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस और कोई भी थिंग नाउन है। तो फिर इन दोनों में ये जो इसके जो टाइप हैं, काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं नाउन के काइंड्स की, कि ये दोनों चाहे कंक्रीट नाउन है चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन के दो टाइप हैं। तो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दोस्तों क्या फर्क होता है? कंक्रीट नाउन वो होती है जिसका कोई ना कोई कलर होता है, जिसका कोई ना कोई साइज होता है, या जिसका कोई ना कोई शेप होता है, उसको हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसका ना तो कोई कलर होता है, ना इसका कोई साइज होता है, और ना दोस्तों इसका कोई शेप होता है। अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसी कौन सी चीजें भाई जिसका ना तो कलर है, ना साइज है, ना शेप है, ऐसी कौन सी नाउन है जिसका कलर भी नहीं है, साइज भी नहीं है, शेप भी नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल है, जैसे कि डेथ। डेथ का कोई कलर, साइज या शेप नहीं होता। लक, लक का कोई साइज, कलर या शेप नहीं होता। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का भी कोई कलर, साइज, शेप नहीं होता है। एबिलिटी हुआ, फ्यूचर हुआ, ये तमाम ऐसी नाउन हैं जिनका कोई कलर, साइज, शेप नहीं होता है, इसलिए हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। बाकी कंक्रीट नाउन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टेबल हुआ, जैसे कि बुक हुआ, जैसे कि पेन हुआ, जैसे कि पेंसिल हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, टेबल तो हो ही गया, चेयर हुआ, ये सारी चीजें, जैसे दिल्ली हुआ, जैसे इंडिया हुआ। तो आप सोच रहे हैं दिल्ली का भाई क्या कलर है, साइज, साइज है, शेप है? दोस्तों कलर तो नहीं है, लेकिन मैप पर हम देखेंगे तो दिल्ली का या इंडिया का या प्रत्येक प्लेस का कोई ना कोई एक साइज होता है। तो इसलिए हम इसको प्लेस, नेम ऑफ प्लेस को भी हम कंक्रीट नाउन मानते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में हमारी दो चीजें क्लियर होती हैं, एक तो नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम नाउन है। फिर हम पहुंचते हैं कि कितने प्रकार होते हैं नाउन के। तो दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक तो कंक्रीट नाउन होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्क क्या है? कंक्रीट नाउन का कोई ना कोई कलर होता है, कंक्रीट नाउन का कोई ना कोई साइज या शेप होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कलर, साइज, शेप नहीं होता है। तो दोस्तों यहां पर दो चीजें क्लियर हुई हैं। लेकिन अभी काइंड्स की बात करें तो ये जो कंक्रीट नाउन है इसके आगे पांच टाइप होते हैं। ये पांच टाइप कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको आगे भेज देते हैं, फिर अपने पांच प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़िए, एक बार अपने कंक्रीट नाउन की बात करते हैं कि ये जो कंक्रीट नाउन है इसके पांच टाइप कौन से होते हैं,
कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन। दोस्तों यहां पर कंक्रीट नाउन के पांच टाइप हम समझने वाले हैं। कौन से हैं पांच टाइप? तो दोस्तों पहला टाइप है इसमें प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। दोस्तों इसका दूसरा टाइप जो है वो है कॉमन नाउन। पहला टाइप प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, ओके। तीसरे टाइप की बात करें दोस्तों तो यहां पर है कलेक्टिव नाउन। तीसरा टाइप कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन, ये तीसरा टाइप है। और फोर्थ टाइप की बात करें दोस्तों तो फोर्थ टाइप है मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ टाइप है दोस्तों कंक्रीट नाउन का, फिफ्थ टाइप कंपाउंड नाउन होता है दोस्तों। कौन सी नाउन? कंपाउंड नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये नाउन के, कौन सी नाउन के? कंक्रीट नाउन के पांच टाइप हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम होता है, चाहे वो पर्सन का हो चाहे प्लेस का हो। जैसे जॉन, जॉन किसी पर्सन का नाम है। जैसे सीता, सीता किसी पर्सन का नाम है। जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है। जैसे इंडिया, इंडिया किसी प्लेस का नाम है। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो या किसी भी प्लेस का नाम हो तो हम उसको दोस्तों प्रॉपर नाउन मानते हैं। फिर बात आती है कॉमन नाउन की। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? एक ही कैटेगरी के लोगों को एक नाम देना। जैसे कि फादर और मदर दोनों क्या हैं? दोनों को एक नाम दें तो दोस्तों पेरेंट्स हैं। पढ़ाने वाली लेडी हो या जेंट्स, हम उसको क्या बोल सकते हैं? टीचर, कॉमन नाम है। पढ़ने वाला बॉय हो या गर्ल तो हम उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? हम उसको कह सकते हैं स्टूडेंट, ओके। इसी तरह चिकित्सा का काम करने वाली महिला हो या पुरुष क्या कहलाता है? डॉक्टर। कलर, टीचर वगैरह, ये सब कॉमन नाउन है। एक ही कैटेगरी के लोगों को एक कॉमन नाम देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। दोस्तों कलेक्टिव नाउन की बात करें तो यहां पर बात होती है ग्रुप की। जैसे प्लेयर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टीम, ठीक है। और ग्रुप ऑफ जजेस क्या कहलाता है? ज्यूरी। इसी तरह 12 वस्तुओं का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? डजन। इसी तरह दोस्तों कमेटी एक वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है कमेटी, यहां पर लोगों का समूह होता है। इसके अलावा बहुत सारी कलेक्टिव नाउन है, जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात करें तो बेबी होता है। ग्रुप ऑफ टाकेटिव गर्ल्स की बात करें तो गेगल होता है। कुल मिलाकर बात जब ग्रुप की होगी तो हम दोस्तों उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल नाउन क्या होती है दोस्तों। इसमें सारा मटेरियल ही होता है, जैसे कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, जैसे कि सिल्वर मटेरियल नाउन है, जैसे कि मिल्क मटेरियल नाउन है, जैसे कि ऑयल मटेरियल नाउन है, जैसे कि कॉटन मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब मटेरियल नाउन है जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं, ओके। बात करें कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन में क्या होता है दोस्तों? इसमें दो शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं, जैसे आइस और क्रीम, आइसक्रीम बन गया, ये दो शब्द हैं एक अर्थ है। इसी तरह अपने अगर बोलें टूथ और पेस्ट, दो शब्द मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं। इसी तरह अपने बोल दें लॉर्ड्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, दो शब्द हैं एक अर्थ दे रहे हैं। तो ये जो है
कंपाउंड नाउन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों, फिंगरप्रिंट, माउथ फ्रेशर, न्यूज़पेपर, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, स्टेप मदर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर दो शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, कंक्रीट नाउन के हैं। कंक्रीट नाउन के पांच टाइप हैं, जिसमें पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा कंपाउंड नाउन है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। यहां पर फिलहाल हम आज की इस क्लास में नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन के टाइप को ही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े थोड़ी इस क्लास का टाइम हम बढ़ाते जाएंगे, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसका समय अपने बढ़ाते जाएंगे, ताकि जो जीरो लेवल से बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनको भी बात समझ में आ जाए। तो ज़्यादा जो चीज़ें हैं मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको पहले इजी टू डिफिकल्ट की ओर ले जाऊंगा। मैं आपको बहुत इजी तरीके से लेकर मैं आपको बहुत मुश्किल तरीके तक ले जाऊंगा। यानी कि नाउन टॉपिक पढ़ने के बाद आप चाहे कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, नाउन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कोई डाउट होता है उसको फटाक से मेरी तरफ पहुंचा देते हैं तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, ये जो क्लास है वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी है और ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस क्लास का लेवल जीरो से उठाएंगे अपने और हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको क्या पता थोड़ी सी बोरियत महसूस हो कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको दोस्तों बेसिक चीज़ों से मैं हाई चीज़ों की तक ले जाऊंगा। तो इसलिए आप इत्मीनान से क्लास को सुनते रहें, डाउट को मेरी तरफ भेजते रहें। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कंक्रीट नाउन जो होती है, जिसका कोई ना कोई, यहाँ पर फिर बता देता हूँ मैं, कंक्रीट नाउन वो होती है जिसका कोई ना कोई कलर होता है, जिसका कोई ना कोई साइज होता है और जिसका कोई ना कोई शेप होता है ना। इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अर्थात हम टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन के ये पांच टाइप होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है दोस्तों, इसके कोई टाइप नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है इसके कोई टाइप नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ऐसी कोई नाउन जिसका ना कोई कलर है, ना कोई साइज है और ना कोई शेप है, उसको हम कौन सी नाउन कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता दिए, फिर बता देता हूँ कि ऑनेस्टी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, लक हो सकता है और डेथ हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही क्लियर किया है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन के टाइप क्या होते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, और आप जो है प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से, प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट, प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट नाम से, प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, और मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। और टीसी नागिया नाम से मेरा फेसबुक आईडी है और वहाँ पर भी मैंने जो है लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप जो है वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि आपको जो पीडीएफ हैं, आपके जो नोट्स हैं, टेस्ट वेस्ट हैं, वो सारे जो हैं हम उस पर उपलब्ध कराएंगे आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और फटाफट से अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिल्कुल चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो आपको। और आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे तक भेजिए, मैं उसको ज़रूर अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार। प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट में जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि
एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या आर्मी क्लर्क या सीडीएस, एफकेट, किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश अगर आपके लिए समस्या है तो दोस्तों आज के बाद नहीं रहने वाली, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक बड़े आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। इसको पढ़ने के बाद अंग्रेजी ग्रामर की जो आपकी समस्या है वो क्लियर हो जाएगी। ओके, कोई भी डाउट आपको होता है तो आप कमेंट कीजिए, आपके प्रत्येक डाउट का मैं आपको आंसर दूंगा और प्रत्येक डाउट को सोल्व कराऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि 11 तारीख से आपकी निशुल्क जो है क्लास इंग्लिश ग्रामर की जो डिफेंस परीक्षाओं के लिए होगी वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये क्लास उसी क्रम में है। आज हम जो है पहली क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेते हुए फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो नाउन रहेगा। तो आइए जानते हैं आज की इस क्लास में नाउन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। नाउन टॉपिक दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये फर्स्ट टॉपिक आता है। और नाउन ये कोई नई चीज नहीं है, नाउन जो कि हिंदी में संज्ञा कहलाता है उसी को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो यहां पर आज अपने बात करने वाले हैं किसकी, नाउन की। ओके, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नाउन क्या होती है। तो आप जो है क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो जाए दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है नाउन, फर्स्ट टॉपिक है हमारा नाउन। दोस्तों नाउन जो होती है ये क्या होती है, नाउन जिसको हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं, संज्ञा। नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा को हम नाउन कहते हैं। तो कोई भी दोस्तों, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान क्या कहलाता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान। यानी कि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज नाउन। संज्ञा या नाउन की बात करें दोस्तों तो कोई भी व्यक्ति, मैं आपको पहले हिंदी में बता देता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान और कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान या कोई भी वस्तु संज्ञा है अर्थात नाउन है। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई, नाउन की डेफिनेशन क्या हुई, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग और थिंग, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी प्लेस का नेम और किसी भी थिंग का नेम दोस्तों नाउन कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से अपने इस बात को समझते हैं कि कैसे कोई प्लेस, पर्सन या थिंग नाउन होता है। जैसे अपने कहते हैं जॉन, जॉन इज अ गुड बॉय, जॉन एक अच्छा लड़का है, जॉन इज ए गुड बॉय। तो दोस्तों यहाँ पर जॉन या फिर बॉय ये किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए जॉन भी नाउन है और बॉय भी नाउन है। जैसे मैं एक दूसरा सेंटेंस लिखता हूँ कि आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, आई लिव इन दिल्ली। तो दोस्तों दिल्ली यहाँ पर जो है नेम ऑफ प्लेस है और प्लेस के नेम को हम नाउन कहेंगे। ओके, इसी तरह मैं कह दूं कि आई हैव ए कार, आई हैव ए कार, तो यहां पर जो कार है वो थिंग है तो ये नाउन है। तो यहां पर दोस्तों डेली नाउन है, यहां पर कार नाउन है और यहां पर जॉन नाउन था, क्योंकि ये पर्सन है, ये प्लेस है और ये थिंग है, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग नाउन कहलाता है। तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग
इज नोन एज नाउन, कोई भी व्यक्ति वस्तु या स्थान नाउन कहलाता है। तो दोस्तों यहां जो है हमारी डेफिनेशन क्लियर होती है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, यहां से डेफिनेशन क्लियर होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, यानी कि हर व्यक्ति, हर वस्तु और हर स्थान नाउन है। तो दोस्तों दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो नाउन नहीं है, यानी कि दुनिया की प्रत्येक वस्तु, दुनिया का प्रत्येक स्थान और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति नाउन होता है दोस्तों। फिर हम इसके काइंड्स की बात करते हैं, इसके काइंड्स की बात करते हैं कि नाउन जो होती है होती कितने प्रकार की है। तो दोस्तों यहां पर आपके मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? एक तो है कंक्रीट नाउन, कंक्रीट नाउन, और एक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन के दो टाइप हैं, कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या फर्क होता है? हमने ये जान लिया कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस और कोई भी थिंग नाउन है। तो फिर इन दोनों में ये जो इसके दो टाइप हैं, काइंड्स ऑफ नाउन की बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं नाउन के काइंड्स की, कि ये दोनों चाहे कंक्रीट नाउन है चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नाउन के दो टाइप हैं। तो कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दोस्तों क्या फर्क होता है? कंक्रीट नाउन वो होती है जिसका कोई ना कोई कलर होता है, जिसका कोई ना कोई साइज होता है, या जिसका कोई ना कोई शेप होता है, उसको हम कंक्रीट नाउन कहेंगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इसका ना तो कोई कलर होता है, ना इसका कोई साइज होता है, और ना दोस्तों इसका कोई शेप होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो ऐसी कौन सी चीजें भाई जिसका ना तो कलर है, ना साइज है, ना शेप है? ऐसी कौन सी नाउन है जिसका कलर भी नहीं है, साइज भी नहीं है, शेप भी नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल है, जैसे कि डेथ। डेथ का कोई कलर, साइज या शेप नहीं होता। लक, लक का कोई साइज, कलर या शेप नहीं होता। जैसे कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का भी कोई कलर, साइज, शेप नहीं होता है। एबिलिटी हुआ, फ्यूचर हुआ, ये तमाम ऐसी नाउन हैं जिनका कोई कलर, साइज, शेप नहीं होता है, इसलिए हम इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। बाकी कंक्रीट नाउन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टेबल हुआ, जैसे कि बुक हुआ, जैसे कि पेन हुआ, जैसे कि पेंसिल हुआ, चेयर हुआ, टेबल हुआ, टेबल तो हो ही गया, चेयर हुआ, ये सारी चीजें, जैसे दिल्ली हुआ, जैसे इंडिया हुआ। तो आप सोच रहे हैं दिल्ली का भाई क्या कलर है, साइज है, शेप है? दोस्तों कलर तो नहीं है, लेकिन मैप पर हम देखेंगे तो दिल्ली का या इंडिया का या प्रत्येक प्लेस का कोई ना कोई एक साइज होता है, तो इसलिए हम इसको प्लेस, नेम ऑफ प्लेस को भी हम कंक्रीट नाउन मानते हैं। तो यहाँ इस स्लाइड में हमारी दो चीजें क्लियर होती हैं, एक तो नाउन की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नाउन है। फिर हम पहुंचते हैं कि कितने प्रकार होते हैं नाउन के। तो दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक तो कंक्रीट नाउन होती है और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्क क्या है? कंक्रीट नाउन का कोई ना कोई कलर होता है, कंक्रीट नाउन का कोई ना कोई साइज या शेप होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कलर, साइज, शेप नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें क्लियर हुई हैं। लेकिन अभी काइंड्स की बात करें तो ये जो कंक्रीट नाउन है इसके आगे पांच टाइप होते हैं। ये पांच टाइप कौन से होते हैं इसकी बात करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको आगे भेज देते हैं, फिर अपने पांच प्रकार देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को छोड़िए, एक बार अपने कंक्रीट नाउन की बात करते हैं कि ये जो कंक्रीट नाउन है इसके पांच टाइप कौन से होते हैं। कंक्रीट नाउन,
कंक्रीट नाउन। दोस्तों यहां पर कंक्रीट नाउन के पांच टाइप हम समझने वाले हैं। कौन से हैं पांच टाइप? तो दोस्तों पहला टाइप है इसमें प्रॉपर नाउन। कौन सा? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पहला टाइप है प्रॉपर नाउन। दोस्तों इसका दूसरा टाइप जो है वो है कॉमन नाउन। पहला टाइप प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन। ओके, तीसरे टाइप की बात करें दोस्तों तो यहां पर है कलेक्टिव नाउन। तीसरा टाइप कौन सा होगा? कलेक्टिव नाउन, ये तीसरा टाइप है। और फोर्थ टाइप की बात करें दोस्तों तो फोर्थ टाइप है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और फिफ्थ टाइप है दोस्तों कंक्रीट नाउन का, फिफ्थ टाइप कंपाउंड नाउन होता है दोस्तों। कौन सी नाउन? कंपाउंड नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये नाउन के, कौन सी नाउन के? कंक्रीट नाउन के पांच टाइप हैं। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर नेम होता है, चाहे वो पर्सन का हो चाहे प्लेस का हो। जैसे जॉन, जॉन किसी पर्सन का नाम है। जैसे सीता, सीता किसी पर्सन का नाम है। जैसे दिल्ली, दिल्ली किसी प्लेस का नाम है। जैसे इंडिया, इंडिया किसी प्लेस का नाम है। तो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो या किसी भी प्लेस का नाम हो तो हम उसको दोस्तों प्रॉपर नाउन मानते हैं। फिर बात आती है कॉमन नाउन की। अब ये कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों? एक ही कैटेगरी के लोगों को एक नाम देना। जैसे कि फादर और मदर दोनों क्या हैं? दोनों को एक नाम दें तो दोस्तों पेरेंट्स हैं। पढ़ाने वाली लेडी हो या जेंट्स, हम उसको क्या बोल सकते हैं? टीचर, कॉमन नाम है। पढ़ने वाला बॉय हो या गर्ल तो हम उसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? हम उसको कह सकते हैं स्टूडेंट। ओके, इसी तरह चिकित्सा का काम करने वाली महिला हो या पुरुष क्या कहलाता है? डॉक्टर। कलर, टीचर वगैरह, ये सब कॉमन नाउन है। एक ही कैटेगरी के लोगों को एक कॉमन नाम देना कलेक्टिव नाउन कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। दोस्तों कलेक्टिव नाउन की बात करें तो यहां पर बात होती है ग्रुप की। जैसे प्लेयर्स का ग्रुप क्या कहलाता है? टीम, ठीक है। और ग्रुप ऑफ जजेस क्या कहलाता है? ज्यूरी। इसी तरह 12 वस्तुओं का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? डजन। इसी तरह दोस्तों कमेटी एक वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है कमेटी। यहाँ पर लोगों का समूह होता है। इसके अलावा बहुत सारी कलेक्टिव नाउन है, जैसे ग्रुप ऑफ गर्ल्स। ग्रुप ऑफ गर्ल्स की बात करें तो बेबी होता है। ग्रुप ऑफ टाकेटिव गर्ल्स की बात करें तो गेगल होता है। कुल मिलाकर बात जब ग्रुप की होगी तो हम दोस्तों उसको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। फिर आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल नाउन क्या होती है दोस्तों। इसमें सारा मटेरियल ही होता है। जैसे कि गोल्ड मटेरियल नाउन है, जैसे कि सिल्वर मटेरियल नाउन है, जैसे कि मिल्क मटेरियल नाउन है, जैसे कि ऑयल मटेरियल नाउन है, जैसे कि कॉटन मटेरियल नाउन है, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब मटेरियल नाउन है जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं। ओके, बात करें कंपाउंड नाउन की। कंपाउंड नाउन में क्या होता है दोस्तों? इसमें दो शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं। जैसे आइस और क्रीम, आइसक्रीम बन गया, ये दो शब्द हैं एक अर्थ है। इसी तरह अपने अगर बोलें टूथ और पेस्ट, दो शब्द मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं। इसी तरह अपने बोल दें लॉर्ड्स, लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, दो शब्द हैं एक अर्थ दे रहे हैं। तो ये जो है कंपाउंड नाउन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों। फिंगरप्रिंट, माउथ फ्रेशर, न्यूज़पेपर, कमांडर इन चीफ, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, स्टेप मदर, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर दो शब्द मिलकर एक अर्थ देते हैं।
तो दोस्तों ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, कंक्रीट नाउन के हैं। कंक्रीट नाउन के पांच टाइप हैं, जिसमें पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा कंपाउंड नाउन है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको बात समझ में आ रही होगी। यहां पर फिलहाल हम आज की इस क्लास में नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन के टाइप को ही डिस्कस करने वाले हैं। थोड़े थोड़ी इस क्लास का टाइम हम बढ़ाते जाएंगे, स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसका समय अपने बढ़ाते जाएंगे, ताकि जो जीरो लेवल से बच्चे हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है उनको भी बात समझ में आ जाए। तो ज़्यादा जो चीज़ें हैं मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको पहले इजी टू डिफिकल्ट की ओर ले जाऊंगा। मैं आपको बहुत इजी तरीके से लेकर मैं आपको बहुत मुश्किल तरीके तक ले जाऊंगा। यानी कि नाउन टॉपिक पढ़ने के बाद आप चाहे कोई सी भी बुक उठा के देख लेना, कोई सा भी क्वेश्चन होगा, नाउन का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आप मेरी सारी बातें ध्यान से सुनते हैं और कोई डाउट होता है उसको फटाक से मेरी तरफ पहुंचा देते हैं तो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। लेकिन याद रखिए, ये जो क्लास है वो इंटेलिजेंट बच्चों के लिए भी है और ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस क्लास का लेवल जीरो से उठाएंगे अपने और हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको क्या पता थोड़ी सी बोरियत महसूस हो कि यार ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको दोस्तों बेसिक चीज़ों से मैं हाई चीज़ों के तक ले जाऊंगा। तो इसलिए आप इत्मीनान से क्लास को सुनते रहें, डाउट को मेरी तरफ भेजते रहें। तो मेरे ख्याल से क्लियर है कि कंक्रीट नाउन जो होती है, जिसका कोई ना कोई, यहाँ पर फिर बता देता हूँ मैं, कंक्रीट नाउन वो होती है जिसका कोई ना कोई कलर होता है, जिसका कोई ना कोई साइज होता है और जिसका कोई ना कोई शेप होता है ना। इसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, अर्थात हम टच भी कर सकते हैं, सी भी कर सकते हैं। कंक्रीट नाउन के ये पांच टाइप होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है दोस्तों, इसके कोई टाइप नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है इसके कोई टाइप नहीं है। बस आपको याद रखना है कि ऐसी कोई नाउन जिसका ना कोई कलर है, ना कोई साइज है और ना कोई शेप है, उसको हम कौन सी नाउन कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बता दिए, फिर बता देता हूँ कि ऑनेस्टी हो सकता है इसका एग्जाम्पल, लक हो सकता है और डेथ हो सकता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ओके, तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही क्लियर किया है कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है और नाउन के टाइप क्या होते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि इन टाइप से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, और आप जो है प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट नाम से, प्रेरणा कैरियर इंस्टीट्यूट, प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट नाम से, प्रेरणा करियर इंस्टीट्यूट नाम से मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, और मैंने अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमने सिलेबस डिस्कशन किया था एनडीए एयरफोर्स नेवी के लिए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है। और टीसी नागिया नाम से मेरा फेसबुक आईडी है और वहाँ पर भी मैंने जो है लिंक शेयर किया हुआ है। तो आप जो है वहां से टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, ताकि आपको जो पीडीएफ हैं, आपके जो नोट्स हैं, टेस्ट वेस्ट हैं, वो सारे जो हैं हम उस पर उपलब्ध कराएंगे आपको। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए और फटाफट से अपने सभी दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो बिल्कुल आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिल्कुल चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं तो आपको। और आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे तक भेजिए, मैं उसको ज़रूर अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्कार।